हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। उत्तर प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चाहे लाख उपाय कर ले, लेकिन पुलिस विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वहीं ताजा मामला जनपद शामली का है, जहां दो पुलिस कर्मियों द्वारा पिकअप गाड़ी चालक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जमकर पीटा जा रहा है। वहीं पुलिस कर्मियों की इस हरकत की वजह से पिकअप गाड़ी द्वारा पुलिस की गाड़ी में हल्की टक्कर होना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद शामली एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। दरअसल मामला थाना भवन क्षेत्र का है, जहां पर पिकअप गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाने से पिकअप चालक को इमरजेंसी ब्रेक लगाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लेने के बाद सामने जा रही पुलिस की पीआरवी 3660 बाइक से पिकअप गाड़ी की हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद गाड़ी पर सवार हेड कांस्टेबल देवेंद्र और एक होमगार्ड दोनों नीचे गिर गए। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने आओ देखा न ताओ दोनों ने ड्राइवर को पकड़कर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा ड्राइवर को गाली देते हुए और थप्पड़ों से पिटाई करते हुए का पास में खड़े एक युवक ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद युवक ने पुलिस के इस बेशर्म चेहरे को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भवन थाना क्षेत्र का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें दो पुलिस कर्मियों द्वारा एक पिकअप चालक के साथ दुर्व्यवहार करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए सीओ थाना भवन को इसकी जांच सौंपी गई। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कल देर रात ये जो दो पुलिसकर्मी हैं, ये पीआरबी के दुपहिया वाहन पर नियुक्त हैं। इस पिकअप ने पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया था, जिससे दोनों पुलिसकर्मी गिर गए। इसके उपरांत इन दोनों पुलिसकर्मियों के और तथा इस पिकअप चालक के मध्य वाद विवाद हुआ, जिसके क्रम में इन पुलिसकर्मियों द्वारा पिकअप चालक से दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना में प्रथम दृष्टया दुर्व्यवहार के ये दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से एक हेड कांस्टेबल है पुलिस विभाग में, जिसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, तथा दूसरा इसमें होमगार्ड है। जिला कमांडेंट होमगार्ड को इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है, तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। वही वायरल वीडियो पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त मामले की जांच सीओ थाना भवन को सौंपी गई, जिसके बाद वायरल वीडियो पर जांच करते हुए सीओ थाना भवन द्वारा दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। वही जांच उपरांत पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। टाइम 24 न्यूज के लिए शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।